2 दिन से चावल बच गया और मैं पतिदेव से पूछ रही हूँ खा लो, नहीं खाया उन्होंने, और मेरे साथ प्रॉब्लम है कि वो नहीं खाते हैं तो मैं भी नहीं खाती हूँ। तो आज मैं उसका एक बहुत स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ, बहुत ही इजी, क्विक और टेस्टी है ना पतिदेव, अब तो खाओगे। मैं चावल जो बचा हुआ है मैं उसका कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो बनाऊ हाँ, बट वो इतना टेस्टी होता है कि आपको फ्रेश से भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। सारी चीजें बासी करके बनाया करो। नहीं, ये मैं अपने दोस्तों को भी बता रही हूँ कि वेस्ट तो नहीं करना चाहिए और कभी कभी बच भी जाता है, तो उसके लिए क्या आइडिया है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं और इनको रिचार्ज करने देते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने लिया है 10 से 12 मटर, और ये है गाजर जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और ये है सगा प्याज जो पत्तों वाला प्याज आता है, और ये है ग्रीन चिली जो मोटे मिर्ची आती है, कैप्सिकम नहीं, ये ग्रीन चिली जो मोटी मिर्ची आती है, सर्दियों में यूजुअली मिलता है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, और एक टमाटर, और ये है लहसुन और अदरक जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये चावल है जो कि 2 दिनों से फ्रिज में था, मैंने कल सोचा मैं खाऊंगी, नहीं खा पाई, तो फिर आज इसका मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। मैं ऐसे तो सरसों तेल भी डालती हूँ, लेकिन रिफाइन ऑयल का टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है फ्राइड राइस में स्पेशली। और उसके बाद ये छोटी चम्मच से 1 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता, इसको 2 से 3 मिनट में चला लेती हूँ, बिल्कुल कम फ्लेम रखा है। और अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक, इसके बाद मैं प्याज, और ये है ग्रीन चिली, और ये गाजर, मटर और टमाटर, इन सबको मैंने एक साथ डाला है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट इसको मैंने भूना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ऐसे तो इसमें राइस भी मिक्स होना है, बट फिर भी नमक का क्वांटिटी बहुत कम डालिए, अगर आप तेज खाते हैं तो भी थोड़ा कम डालिए, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच सब्जी मसाला या चिकन मसाला, तो मैं यूजुअली चिकन मसाला यूज करती हूँ। तो इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे, और अब मैं इसको 2-3-4 मिनट ढक के पकाऊंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छे से पका तो है, दिख पता भी लग रहा है देख के, और जो मैंने जब सब कुछ साथ डाला और टमाटर भी साथ डाला, मसाले भी डाले हैं, तो साथ डालने से ये होता है कि ये जलता भी नहीं है, पक भी जाता है अच्छे से और जलता भी नहीं है। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए और ढक के पकाऊंगी, जिससे ये मटर भी अच्छे से गल जाए, जितनी सब्जियां हैं, जितना ये अच्छे से पकेगा स्वाद इतना ज्यादा अच्छा आएगा। तो 2 मिनट और इसको बस पकाना है। तो 2 मिनट बाद में और देख लेती हूँ ढक्कन हटा के, ये परफेक्टली पक चुका है,
इतना भी पकड़ नहीं होना चाहिए कि चावल में प्रॉपर मिक्स हो जाए, ये अलग अलग से सब्जियां हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब ये बन चुका है तो मैं इसमें अब राइस डालूंगी। मेरे साथ एक इशू है, एक भी दाना जब तक प्लेट या बाउल में है मैं निकालती रहती हूँ, पूरी थाली छोड़ के मैं एक दाने पे नजर रखती हूँ। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और अब मैं इसमें ढक्कन नहीं लगाऊंगी। तो जी मेरा यमी यमी फ्राइड राइस रेडी है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना, ये तो फील ही नहीं आएगा कि आपने पुराने चावल का कुछ बनाया है। तो अब मैं इसको सर्व करूंगी।